जादुई डायमंड गोल्ड व्हीकल्स। सुधीर एक दुकान में काम करता था। एक बार उसे थोड़ी देर क्या हुई, दुकान का मालिक गुस्से से उसे भला बुरा कहने लगा। तब सुधीर कहता है, मालिक, इतनी सी बात के लिए आप मेरी औकात ही निकाल रहे हो। कोई भी काम कर लूंगा, पर आज के बाद मैं आपकी दुकान में काम ही नहीं करूंगा। जा रहा हूं मैं। अबे हाँ हाँ, जा जा, देखते हैं कि तुम्हें इस गांव में कौन काम देता है। निकल जाए यहां से। सुधीर काम छोड़कर दूसरा काम ढूंढने लगता है। मदन के कहने पर उसे कोई भी काम नहीं देता। घर जाकर वो काम के बारे में सोचता ही रहता है। तब उसकी बीवी कोमल उससे कहती है, मेरे बाबा पहले मिट्टी के मटके बनाकर बेचा करते थे। मटके कैसे बनाते हैं ये मुझे पता है, तो क्यों ना हम मिट्टी के मटके बनाएं और उसे बाजार में बेचें। उसी दिन से कोमल अपने पिता के घर से मटके बनाने का चक्का लेकर आते हैं। सुधीर जंगल से मिट्टी लेकर आता है और कोमल खुद भी मटके बनाती है और सुधीर को भी मटके बनाना सिखाती है। अब सुधीर बाजार में मटके बेचने लगता है। एक दिन बाजार में सुधीर को देखकर मदन सोचता है, अरे वाह वाह वाह, किसी ने काम नहीं दिया तो इस सुधीर के बच्चे ने तो खुद का काम शुरू कर दिया, वो भी मटके बेचने वाला। लेकिन मैं भी देखता हूं कि ये कब तक ऐसा काम करेगा। मदन कुछ गुंडों को बाजार भेजता है। वो गुंडे सुधीर के दुकान में जाकर उसके मटके फोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुधीर फिर से मटके लेकर बाजार जाता है। उस दिन भी वो गुंडे आकर उसके सारे मटके फोड़ ही देते हैं। ऐसा दो चार दिन शुरू ही रहता है, जिस वजह से सुधीर हताश हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका बेटा आकर उसे कहता है, पापा, हम दूसरे गांव भी तो मटके बेचने जा सकते हैं ना? और पापा, मेरे पास एक आइडिया है। हम मटकों के साथ साथ क्यों ना मिट्टी के खिलौने वाले वाहन बनाकर बेचें? बेटी की बात सुनकर सारे घर वाले मिट्टी के मटके और मिट्टी के खिलौने वाले वाहन भी बनाते हैं और उन्हें लेकर दूसरे गांव जाते हैं बेचने के लिए। अब सुधीर के मटके और मिट्टी के खिलौने वाले वाहन दूसरे गांव में अच्छे से बिकने लगते हैं। मदन को सुधीर दुखी होगा और हताश हुआ होगा और फिर से उसके पास काम मांगने आएगा, ऐसा ही लगता है। लेकिन पूरा उसका उल्टा हो जाता है। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, इस सुधीर ने तो दूसरा ही रास्ता निकाला कमाई का। कुछ भी करके वो रास्ता मुझे बंद करना ही होगा। इस तरह एक दिन सुधीर दूसरे गांव खिलौने और मटके बेचने जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे वही गुंडे मिल जाते हैं। वो गुंडे सुधीर का रास्ता रोकते हैं। तब सुधीर कहता है, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गांव में भी काम करने नहीं दे रहे हो, तब भी मैं चुप था, और आज फिर से तुम सब मुझे रोक रहे हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वो गुंडे कुछ भी बात ना करके सुधीर के खिलौने और मटके फोड़ देते हैं और सुधीर को भी खूब पीटते हैं। सुधीर तो मार की वजह से बेहोशी हो जाता है कि तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। वो उन गुंडों को वहां से भगाकर सुधीर को घर ले आते हैं। सुधीर को ऐसा देखकर कोमल रोने लगती है। ये क्या हुआ जी आपको? हे भगवान, ये ऐसे क्यों हो गए हैं? बाबा बाबा, ये आपको कहां मिले? बेटी घबराओ मत, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कुछ गुंडों ने मिलकर इसकी ये हालत कर दी है बेटी। आखिर वो गुंडे सुधीर के पीछे क्यों पड़े थे? तब कोमल अपनी सारी हकीकत साधु बाबा को बताती है। तब साधु बाबा मटके बनाने वाले चक्के की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटी मैं ऐसा कुछ करता हूं कि अब वो गुंडे तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन से सुधीर फिर से काम करने लगता है, पर उस दिन कुछ अलग ही जादू हो जाती है। सुधीर जो कुछ बना रहा था वो सारे खिलौने डायमंड और गोल्ड के बन रहे थे। ये देखकर वो सारी बात समझ जाता है कि ये तो साधु बाबा की कृपा है। सुधीर उस गोल्ड और डायमंड को बेचकर खूब पैसे कमाता है। लेकिन उधर मदन जल के मारे खाक हो रहा था। ये सुधीर का बच्चा किस मिट्टी का बना है? मैं जितना उसे परेशान कर रहा हूं वो परेशानी से बाहर ही निकल आता है। अब तो मैं उसके सारे परिवार को ही तकलीफ दूंगा। ये सोचकर मदन फिर से गुंडे लेकर सुधीर के पास जाता है और उसे लकड़ियों से मारने लगता है। उस बीच बीवी और बच्चा जब उसे बचाने आते हैं तो वो उन्हें भी मारने लगता है। तब डायमंड और गोल्ड के वाहन विशाल बन जाते हैं और उन गुंडों और मदन पर अचानक से हमला करने लगते हैं।
उन्हें वो इतना मारते हैं कि वो सीधा अस्पताल ही भर्ती हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मदन सुधीर के रास्ते कभी नहीं आता और सुधीर आए हुए पैसों से गरीबों की भी मदद करने लगता है। अंडरग्राउंड ट्रेन रिस्टोरेशन। रामपुर नाम के गांव में आने जाने के लिए बस एक ही रास्ता था। गांव के नदी पर एक लकड़ी का पुल था जिससे गांव के लोग आना जाना करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का बिल्डर रहता था जो बहुत ही लालची इंसान था। वो अपने फायदे के लिए किसी के बारे में नहीं सोचता था। एक बार मोहन सोचता है, अरे इस गांव में रोड नहीं है और किसी को इसकी पड़ी भी नहीं है, क्यों ना हो वो लकड़ी का पुल जो है। लेकिन अगर वो लकड़ी का पुल ही नहीं रहा तब तो गांव के लोग रोड के लिए सरकार के पास जाएंगे ही और मुझे ही रोड बनाने का काम भी मिल जाएगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस लकड़ी के पुल का। मोहन ऐसा सोचकर उसी रात लकड़ी के पुल को तोड़ देता है। सवेरे जब गांव के लोग ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। गांव में सभा बुलाकर इस समस्या पर बातें की जाती है। तब गांव का सरपंच कहता है, नदी पर पक्का पुल अभी नहीं बन सकता, लेकिन हम कलेक्टर के पास जाकर रोड की मंजूरी के लिए बात कर सकते हैं। हम नाव से शहर जाकर इस बारे में कलेक्टर से बात करेंगे। तभी गांव का एक आदमी कहता है, हाँ सरपंच जी, गांव में रोड बन गया तो गांव की तरक्की भी हो सकती है। ये अच्छा ही हुआ कि लकड़ी का पुल टूट गया, इस कारण कम से कम गांव में रोड तो बन जाएंगे। ऐसा सोचकर गांव के कुछ लोग और सरपंच कलेक्टर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं। तब कलेक्टर कहता है, आपकी समस्या तो सच में बहुत बड़ी है। आने जाने का कोई साधन ना हो तो सारे काम ठप हो जाते हैं। मैं आपकी बात पर जरूर गौर करूंगा और इस रोड की मंजूरी के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंजूरी दिलाऊंगा, लेकिन इस काम में 7 से 8 महीने लग ही जाएंगे। ये क्या कलेक्टर साहब, 7 से 8 महीने? लेकिन तब तक हमें बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हम हमारे काम कैसे करेंगे? मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टर की बातों से गांव वाले उदास होकर वापस गांव आते हैं। गांव के बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, बस जरूरी कामों के लिए ही नाव से लोग आना जाना कर रहे थे। उधर कलेक्टर गांव के बारे में सोचता रहता है, रामपुर गांव बाकी गांवों से बहुत ही पिछड़ा हुआ है और अब ये नई समस्या आ गई है। एक कलेक्टर होने के नाते मुझे कुछ तो करना होगा इस गांव के लिए। कलेक्टर ऐसा सोचकर गांव में आता है। वो गांव के लोगों की परेशानी देखकर दुखी हो जाता है। गांव में सरपंच के साथ वो इधर उधर घूम के देखता है। तब उसे गांव में एक रेलवे ट्रैक दिखाई देती है। तब वो सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, आपके गांव में तो ये पहले से ही रेलवे ट्रैक है और आपने ये बात मुझे बताई नहीं, इससे तो आपकी समस्या जल्दी दूर हो सकती है। अरे कलेक्टर जी, ये तो बस नाम की रेलवे ट्रैक है, कुछ ही दूरी पर ये ट्रैक है, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सरपंच की बातों से कलेक्टर उस ट्रैक से चलना शुरू करते हैं। कलेक्टर उस ट्रैक के अंत तक जा पहुंचते हैं। तब कलेक्टर को समझ आता है कि ट्रैक तो अंडरग्राउंड चली गई है। तब कलेक्टर फौरन वहां खुदाई का काम शुरू करवाते हैं। खुदाई करते करते उन्हें वहां एक सुरंग मिलती है जहां पर बहुत सालों से पड़ी हुई एक ट्रेन भी रहती है जो कि सालों से सुरंग में होने की वजह से खराब हो चुकी थी। ट्रेन को देखकर कलेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, लगता है अंग्रेजों के राज्य में यहाँ से ट्रेन आती जाती होगी। उनके जाने के बाद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और यह सुरंग बंद हो गई। मैं एक काम करवाता हूँ, इस ट्रेन का रिस्टोरेशन करवाता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी गांव वालों की परेशानी दूर हो सके और वो कहीं भी आना जाना शुरू कर सके। कलेक्टर ऐसा सोचकर अपने खुद के पैसों से अपने आदमियों से कहकर उस ट्रेन का रिस्टोरेशन करवाता है और जब सुरंग की दूसरी ओर देखा जाता है तो रेलवे ट्रैक सीधा शहर से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखकर कलेक्टर और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उधर मोहन को जब ये बात पता चलती है तब वो सोचता है, अरे ये कलेक्टर, ये तो खुद को हीरो समझ रहा है, मेरे सारे प्लान पर पानी फेर रहा है ये। पर जैसे लकड़ी के पुल को तोड़ दिया ना, वैसे ही इस रेलवे ट्रैक को भी उखाड़ फेंकूंगा मैं। गांव के लोगों की समस्या दूर हो चुकी थी पर मोहन को लोगों की खुशी खटक रही थी। दूसरे दिन ट्रेन गांव से चलने वाली थी कि उसी रात को मोहन उस रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रैक को उड़ाने की कोशिश करता है, पर यह बात गांव वालों की नजर में आ जाती है और वो मोहन को पकड़कर खूब पीटते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। सवेरे गांव से ट्रेन चलने लगती है। तब सरपंच कलेक्टर से कहते हैं, कलेक्टर जी, आज आपकी वजह से हमारी सारी समस्या दूर हो गई,
आप तो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। सरपंच ऐसा कहकर दूसरे ही दिन कलेक्टर का सम्मान गांव में करते हैं। इस तरह से अंडरग्राउंड ट्रेन रिस्टोरेशन करके गांव के आने जाने की समस्या दूर हो जाती है और नदी पर पक्का पुल भी बांधा जाता है। इस तरह से अब गांव में आने जाने के रास्ते खुल गए और गांव की तरक्की जल्द से जल्द होने लगी। इसलिए हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए और हमारे पद का इस्तेमाल हमेशा लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए।